अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत से जूझ रहे व्यक्ति को उचित समय पर उचित इलाज न मिल पाने से उसकी मौत हो गई। दर्दनाक मामला बीती रात सामने आया है। अस्पताल के लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत सावनेर मार्ग पर एक्सीडेंट से जख्मी हुए व्यक्ति को सावनेर के एम्बुलेंस चालक ने उठाकर अलेक्सिस हॉस्पिटल ले गए। 45,000 रुपए जमा किए बगैर जख्मी को हॉस्पिटल प्रशासन भर्ती करवाने के लिए राजी नहीं हुआ। एम्बुलेंस चालक ने खुद के पास रखे 20,000 रुपए जमा करवा कर बाकी पैसे जख्मी के भाई आकर जमा करवा देंगे, ऐसा कहकर जख्मी को एडमिट करवाने के लिए विनती की, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस बात को तैयार नहीं था। इस हालत में जख्मी व्यक्ति को लेकर एम्बुलेंस चालक नागपुर के सरकारी अस्पताल मेडिकल में ले गया। वहां उसे एडमिट करवाया, लेकिन वहां भी उस जख्मी व्यक्ति के इलाज के लिए डॉक्टर इलाज में ढिलाई बरत रहे थे। उचित समय पर इलाज न हो पाने से जख्मी व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति हरियाणा पंजाब निवासी, उम्र 37 वर्षीय प्रवीण चौहान है। वह सावनेर मार्ग पर मालेगांव स्थित अदानी फॉर्चून कंपनी से रात 11 बजे दुपहिया वाहन से नागपुर नंदनवन अपने भाई के यहाँ जाने के लिए निकला था। दहगांव समीप उसके गाड़ी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार कर फरार हो गया। प्रवीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसी हालत में प्रवीण ने नंदनवन में अपने भाई को फोन कर जानकारी दी। रात 12 बजे सावनेर निवासी हितेश बंसोड़ उनके एम्बुलेंस से सावनेर जा रहे थे। प्रवीण को गंभीर अवस्था में देख कुछ लोगों की मदद से एम्बुलेंस में डालकर एलेक्सिस हॉस्पिटल लेकर गए। हितेश बंसोड़ एक समाज सेवक है तथा वह राह चलते मनोरुग्ण व्यक्तियों की सेवा करते हैं। मनोरुग्ण के परिवार को ढूंढ कर उन्हें उनके सुपुर्द करते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन के अडेल रवैये से प्रवीण की मौत हो गई। इससे आहत होकर हितेश ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। अंत तक जरूर देखे। आज 20/8/2020 को रात को 12 बजे मैं नागपुर से जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ मिला। जब हम उसको उठाने गए तो वहाँ पे 2-3 लोग भी थे। हमने उनको उठा के हमारी गाड़ी में डाला और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस रहने के कारण मैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश किया। मानकापुर स्थित एलेक्सिस हॉस्पिटल में जब लेके गया उसको, तब वहाँ के स्टाफ आया और उन्होंने पेशेंट को देखा और पेशेंट को देखने के बाद बोले कि आप कौन हो। जब मैं उनको बोला कि मैं एम्बुलेंस वाला हूँ और मुझे ये रास्ते में मिला, मैं उनको लेके आया, तो उन्होंने बोले कि इनके घर वाले कोई है नहीं क्या। तो मैं जब बोला इनको कि मैं सब देख लूँगा इनका, तो बोले पैसे कौन जमा करेगा। जब मैं उनको बोला कि मैं 20,000 रुपये जमा कर सकता हूँ, तो तब उन्होंने मुझे 45,000 रुपये जमा करो ऐसा बोला। हालांकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी पेशेंट अगर है तो उनको लेने से मना ही नहीं कर सकता। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर एलेक्सिस वालों ने इसको एडमिट कर लिया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हमने उनको ले जाके फिर मेडिकल में शिफ्ट किया और कुछ मिनटों के बाद उस आदमी की मृत्यु होगी। कृपया ऐसा मत करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और आरोग्य मंत्री तक ये वीडियो जाने को चुना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेडिकल काउंसिल भी इस घटना पर दे। प्रवीण का परिवार हरियाणा में रहता है। उसे एक पत्नी, एक बेटा और 2 बेटी है। प्रवीण का शव शनिवार को एम्बुलेंस से हरियाणा ले जाया गया। भैया सीधे हो जा, सीधे। जल्दी लो, फास्ट जल्दी जल्दी लो। हाँ भैया भैया, रो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 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 बस, 2 मिनट 2 मिनट। वैसे अरे एक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, वो पड़ा था वहाँ पे रास्ते पे, मैं लेके आया उनको। अब लेके आए? हाँ हाँ, थोड़ा फास्ट लो सर। NBCN न्यूज़ के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।